कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी, कोफ्ते की, गोश्त के कोफ्ते, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, दो मीडियम साइज की प्याज, तीन मीडियम साइज के टमाटर, एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, सात आठ हरी मिर्चें। हमें इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बनाकर रखना है। ये एक प्याज हमें बारीक काट कर उसे तल के बिरिस्ता बनानी है। ये है चने, खिल वाले चने हैं ये, तो इसको भी हमें बारीक पीसना है कोफ्ते के लिए। ये है दो बड़े चम्मच चने, ये हैं नारियल कटा हुआ, चारों मगज एक चम्मच बड़ा, और सात आठ बादाम, इसका भी हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और फिर हमें चाहिए अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना, चार पांच हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और एक प्याज बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये कोफ्तों के लिए। अब हमने पीस के ये रख लिया है पेस्ट, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर, और ये हमने चने जो हैं वो पीस के रख लिए हैं उसको बारीक, और ये हमने पीस के रख लिया है हमारा चारों मगज और नारियल और बादाम, और ये एक प्याज हमने तल ली है। आइए हम शुरू करते हैं। अब है ना, हमने एक पतीली चढ़ा ली है, इसमें तेल डाला, इसी में से हमने प्याज तल के निकाली थी। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें जाएगी दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्ची, हरी इलायची और तेज पत्ता, और फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज का और टमाटर का पेस्ट। अब इसमें ये हमने पानी भी धो के डाल दिया, अब इसे हम चलाएंगे। अब इसे पकने के लिए हमें छोड़ देना है जब तक ये भुन जाए, जब तक हम अपने कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। ये कीमा, इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सब चीज़ें साफ करके ले लीजिए। हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। फिर हम ये डालेंगे जो हमने चारों मगज का पेस्ट पीस कर रखा था, तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर, और फिर ये आएगा अदरक लहसुन और अदरक हरी मिर्ची और प्याज बारीक कटी हुई, और फिर ये आएगा, फिर ये आएगा चने का पाउडर। फिर इसके अंदर थोड़ी सी ये लाल मिर्ची, फिर ये इसके अंदर हम एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, फिर ये इसके अंदर एक चम्मच नमक। अभी मैं इसे अच्छी तरह हाथों से मिलाना है।
अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, मिलाते जाना है ताकि ये सब एक जैसे हो जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ये तेल, एक डेढ़ चम्मच तेल बड़ा वाला वो डाल दीजिए। फिर हम ये मिलाते जाएंगे और फिर इसको इस तरीके से हमें उठा उठा के थोड़ी देर पटकना है ताकि ये कोफ्ते इससे हल्के हो जाएंगे, हमारा हल्के कोफ्ते बनेंगे। फिर इस तरीके से कर, अब हमने ये अच्छी तरह इसे करके रख लिया है मिक्स। अब हम हाथों में अपने तेल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसके छोटे छोटे से हम गोल गोल कोफ्ते बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से करिए और एक एक करके बना के रखते चले जाइए। देखिए सब एक साइज के होने चाहिए, ये ऐसे ऐसे खुद ही बनते चले जाएंगे ये गोल गोल। हाथों में तेल ज़रूर लगाइए तो उससे हाथ चिपकेंगे भी नहीं और ये राउंड राउंड भी होते चले जाएंगे गोल गोल खुद ही खुद ही। अब मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए ये खाली प्याज का थोड़ी देर हमने भून के कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक दो चम्मच, फिर ये जो हमने मसाला बनाया था ना आधा उसमें डाला है, ये चारों मगज़ और नारियल का, और आधा अब हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। फिर हम इसे भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन तो पहले ही डाल दिए हैं। अब इस ये थोड़ा मसाला थोड़ा सा भून गया है, अभी हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही। थोड़ी सी और भी डाल लो थोड़ी सी बस। अब इसमें हम ये डाल के इसे अच्छी तरह से भून देंगे जब तक इसमें ऊपर तरी ना जाए। अब ये देखिए इसका मसाला अच्छी तरह भून गया है, ये देखिए। अब हम इसमें एक एक करके अपने कोफ्ते डालते जाएंगे। आँच हमारी स्लो रखनी है हमें। ये सारे कोफ्ते हमें इसके अंदर डाल देने हैं। अब ये हमने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, इसे आहिस्ता आहिस्ता हमें ये घुमाना है और फिर इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है। अभी हमें इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, अभी हमने सिर्फ इसको थोड़ी देर इसमें ही पकाना है आँच तेज़ करके। अब हमने इसको बस इसी तरीके से अभी हमें इसे रहने देना है। अभी थोड़े से पक गए हैं तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे।
अभी हमने इसमें पानी डाल लिया है, देखिए इतना, जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उतना कर लिए। फिर इसमें एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम अपनी तली हुई प्याज पीस कर डालेंगे। अब ये इसमें बहुत उबाल आ रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई हमारी प्याज। इसको डाल के थोड़ी देर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। कोफ्ते भी हमारे देखिए उठ कर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। अब ये पकने के लिए हम प्याज को इसमें पकने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन हमें 15 मिनट इसे ढक के पकाना है। अब ये हमारे कोफ्ते पक के तैयार हैं। हमने चूल्हा भी बंद कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा ये हरा धनिया पाउडर, अरे हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। इसको थोड़ा सा चला लें और फिर देखिए मेरे तरीके से बनाइए, आपको अच्छे लगेंगे। और फिर इसे सर्व कीजिए। ये हैं कोफ्ते, ये मेरी बहन को भी बहुत पसंद है, वो बार बार मुझसे कहती है कि ये इसकी वीडियो डालो। देखिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बना के देखिए, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।